हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा एंड मेडिसिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा फोड़े को पकाने का घरेलू इलाज और इसे ठीक करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, फोड़े लाल मवाद से भरे हुए दाने होते हैं जो कि त्वचा के नीचे बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होते हैं। फोड़ा तब तक ठीक नहीं होता जब तक ये अच्छी प्रकार से पक ना जाए और इसके मवाद पूरी तरह से बाहर न निकल जाए। ऐसे में दोस्तों आपको फोड़े पकने का इंतजार करना चाहिए या फिर फोड़े या गांठ को पकाने के लिए उन तरीकों को जानना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ घरेलू इलाज बताता हूँ जो कि आपके फोड़े को पकाने में और इसे ठीक रखने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहला आयुर्वेदिक इलाज है हल्दी और सरसों का तेल। दोस्तों, फोड़ों के पकाने के लिए सबसे असरदार तरीका होता है हल्दी और सरसों का तेल। इस आयुर्वेदिक इलाज को अपनाने के लिए सर्वप्रथम आपको हल्दी को सरसों के तेल में मिलाकर एक पेस्ट सा तैयार करना है। अब इस पेस्ट को फोड़े वाले प्रभावित क्षेत्र पर लगाना है। इससे आपकी सूजन भी कम होती है, कुछ ही समय के अंदर फोड़ा नरम पड़ जाता है और जल्दी ही पक जाता है और आसानी से मवाद निकल जाती है जिससे आपको दर्द बहुत कम होता है। इसके अलावा आप हल्दी और अदरक के पेस्ट को भी दिन में 2 बार फोड़े पर लगा सकते हैं। इससे भी बहुत जल्दी फोड़ा पक जाएगा और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप दूसरा घरेलू उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी अरंडी के तेल की। दोस्तों, अरंडी का तेल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से युक्त रहता है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाए जाते हैं जो कि घर के अंदर ही सफलतापूर्वक आप अपने फोड़े का इलाज कर सकते हैं। अरंडी के तेल का इस्तेमाल करके आप फोड़े को पूरी तरह से ठीक रख सकते हैं। आपको फोड़े वाले हिस्से पर ऊपरी भाग पर अरंडी के तेल को लगाना है। दिन भर में आप इसे 4 बार इस्तेमाल करें। इससे फोड़ा बहुत जल्दी नरम पड़ जाएगा और फोड़ा जल्दी ही फूट जाएगा और फोड़ा पकने के बाद यह आसानी से निकल भी जाएगा। यह एक बहुत अच्छा तरीका होता है जो कि फोड़े के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप तीसरा घरेलू उपाय, इसमें आपको एलोवेरा और हल्दी का इस्तेमाल की जरूरत पड़ेगी। एलोवेरा और हल्दी दोनों का इस्तेमाल करके आप एंटी माइक्रोबियल गुण पा सकते हैं या फोड़ों के इलाज के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। दोस्तों, जो एलोवेरा होता है इसका आप गुदा का इस्तेमाल करें, इसका हल्का हल्का सा लेप फोड़े के ऊपर करें। इसको दोस्तों आप किस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप थोड़ा सा ग्वारपाठा यानी कि आप थोड़ा सा एलोवेरा और हल्दी दोनों को मिलाकर अपने जहाँ कहीं भी फोड़ा हो रहा है उस पर लगाएं। आपको दिन भर में 2 से 3 बार इसको लगाना है। इससे आपका फोड़ा बहुत जल्दी पक जाएगा और इसके मवाद भी निकल जाएगी और कुछ ही दिनों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप इस उपाय को अपना सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी नीम और तुलसी की। दोस्तों, नीम और तुलसी दोनों ही एंटीसेप्टिक, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। यह फोड़े फुंसी के इलाज के लिए रामबाण रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। जो व्यक्ति फोड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पाना चाहता है वह नीम और तुलसी का इस्तेमाल करे। आपको नीम और तुलसी को पीसकर इसका लेप बनाना है और अपने फोड़े वाले प्रभावित क्षेत्र पर लगाना है। दिन भर में आप इसे 3 से 4 बार लगा सकते हैं। कुछ ही समय के अंदर आपको बहुत अच्छे नतीजे पाएंगे। आपका फोड़ा पूरी तरह से पक जाएगा और इसके मवाद में निकल जाएगी। आपको दर्द भी बहुत कम होगा। इसके साथ ही दोस्तों, नीम और तुलसी का इस्तेमाल करके आप अपनी त्वचा से संबंधित बहुत सारी बीमारी को दूर कर सकते हैं।